हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एस्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। दोस्तों, आप एस्टेट का रिजल्ट किस तरह से देख सकते हैं, आपको पहले गूगल पर सर्च करना है estate.nic, और दोस्तों उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bseh.org.in। तो दोस्तों, इसके फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ टाइमलाइन आ जाएगी इस तरह से, जहाँ पर लिखा है एस्टेट रिजल्ट 2018। तो दोस्तों, इसके बारे में बताता हुआ चलूँ मैं आपको, PRT के कम से कम 1,30,000 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था PRT लेवल के लिए, और दोस्तों TGT के लिए 1,42,000 के आसपास, और दोस्तों PGT लेवल के लिए 93,000 कैंडिडेट थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों, क्या रहा है रिजल्ट उसकी वीडियो में बता दूंगा, और दोस्तों CTET की बेस्ट बुक्स के लिए एक वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों ऐसी अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप जब आ जाएंगे तो उसके बाद आपको सर्च करना है अपना रोल नंबर। दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पर आप रोल नंबर लिखकर भी सर्च करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगला ऑप्शन है नेम, यानी कि आप अपना फुल नेम टाइप करने के बाद भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एस्टेट की रिजल्ट की न्यूज़, और मैं आगे आपको बताता हुआ चलूँ चेक एग्जाम रिजल्ट। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन और आते हैं, तो दोस्तों उन ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको देखना है अपना एस्टेट का रिजल्ट। और दोस्तों, जो जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों, एस्टेट में ये बातें चल रही थी कि अपकमिंग वैकेंसी आ भी सकती है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एस्टेट का रिजल्ट जिन जिन लोगों का क्लियर हो चुका है कि वो आगे आने वाली अपकमिंग वैकेंसी जो हरियाणा में आने वाली है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना।